हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार एबीआरसी जी ट्रिपल एस कैलाना ब्लॉक गनौर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं बात कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। दोनों का अगर अलग अलग हम मीनिंग लें तो इसका मतलब हो जाता है चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। अगर कंप्लीट को डिफाइन करें तो हमारे पास में आ जाएगा चार्ज एट रेस्ट, कि वो ब्रांच फिजिक्स की जो चार्ज एट रेस्ट स्टडी करेगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम इसकी डेफिनेशन किस टाइप से दे सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। जो ब्रांच चार्ज एट रेस्ट के बारे में हमें बताएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके अंदर बात आती है चार्ज की, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में इसके अंदर हम बात करेंगे, वही हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन रिपेल और अट्रैक्ट अनदर चार्ज सब्सटेंस, कि वो प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की जिसके द्वारा वो किसी दूसरे चार्ज सब्सटेंस को या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे चार्ज। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षा के अंदर कि दो टाइप के हमने चार्ज किए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम कहें कि कोई भी बॉडी है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब बोली जाएगी? When a body having less number of electrons than protons। आप सभी को पता है कि कोई भी body electrons protons से मिलकर के बनी हुई है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे। तब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर कम हो जाती है और प्रोटॉन्स की संख्या अगर ज्यादा हो जाती है उस बॉडी पर, तो हम कहेंगे कि बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर हम इसी तरीके से कोई भी बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे होगी उसकी बात करें, तो बिल्कुल इसी का अपोजिट हो जाएगा कि व्हेन ए बॉडी हैविंग मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स, कि अगर किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन्स की संख्या से, तो हमारे पास में जो बॉडी हो जाएगी वो हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब इसी के अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसकी डेफिनेशन अगर हम करें इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कहेंगे हम? इट इज एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गिव राइज इलेक्ट्रिक फोर्स
बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। कि वो प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एडिशनल, जो फोर्स जब दो इलेक्ट्रॉन्स के इन बिटवीन जो कि फोर्स गिव राइज कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हमने दो टाइप के चार्ज की बात की, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप की बॉडीज की भी हमने बात की। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज ए बॉडी। कि इलेक्ट्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे एक बॉडी को चार्ज करने के लिए। मींस अगर बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स से वो चार्ज हो जाएगी, मींस नेगेटिवली चार्ज होगी, और अगर कम हो जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर हम बात करें कि दो टाइप की बॉडी है कोई भी, मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, सिमिलर चार्ज हो गए, एक जैसे चार्ज, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे एक दूसरे से। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की अगर दो बॉडी होंगी तो वो भी आपस में रिपेल करेंगे। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ चार्जेस। फर्स्ट फैक्ट की अगर हम बात करें, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मीन्स कि अगर हमारे पास में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपस में लाइक हो गया, एक जैसा हो गया, तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब तो इसके अंदर क्या हो गया कि अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो ये आपके पास में ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर इसी का अपोजिट हो जाता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप की फॉर्मेशन के अंदर ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं और ये रिपेल करते हैं। ये आपके पास में हो जाएगा फर्स्ट फैक्ट किसी भी चार्ज के लिए। अगर सेकंड फैक्ट की बात करते हैं, चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रोड और कैट्स फार इज कॉल्ड पॉजिटिव। कि जो चार्ज एक्वायर किया जाएगा ग्लास रोड और कैट्स फार के द्वारा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मीन्स जब हम किसी भी सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड के साथ में रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम अगर कैट्स फार के साथ में करते हैं तो इस तरीके से वो भी क्या हो जाएगा, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी के अपोजिट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, कि अगर चार्ज ग्लास रोड की जगह पे अगर हम एबोनाइट रोड ले लें, कि चार्ज एक्वायर्ड बाय एबोनाइट रोड या फिर सिल्क क्लॉथ की अगर हम बात करें, सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिव, तो चार्ज कैसा होगा, उस पर नेगेटिव आ जाएगा। कि उसके द्वारा चार्ज जो किया जाएगा, तब हम एवोनाइट रोड को किसी भी सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। या फिर किसी भी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ में अगर रब किया जाता है तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर आप लोगों को देकर के बताया जाए तो ये होगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, अगर पैन को हमने हेयर से रब किया और अपने आसपास में पड़े हुए घास के छोटे तिनके और उनके पास में हम लेकर के जाते हैं उस पैन को, तो वो उनको अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। तो मीन्स क्या हुआ कि उन दोनों पे अपोजिट चार्ज है, तो वो जो चार्ज उस पैन पर आया वो किसकी वजह से आया, वो रब की वजह से आया, हमने जब उसको रब किया अपने हेयर्स पे। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट इस फैक्ट की बात करें कि अगर हम कहें कि ए बॉडी है नो चार्ज, कि अगर बॉडी पर कोई भी चार्ज नहीं है तब हम उस बॉडी को न्यूट्रल बोलेंगे, उस बॉडी को बोला जाएगा न्यूट्रल। ए बॉडी हैव नो चार्ज देन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल। नेक्स्ट है हमारे पास में कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक, तीनों को हम एक साथ में करेंगे कि अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ मटेरियल विच परमिट्स फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन और मोर डायरेक्शन। एक इस टाइप का मटेरियल है जो कि परमिट करता है, परमिशन देता है चार्जेस को फ्लो होने के लिए अपने अंदर से एक या कई सारी डायरेक्शंस के अंदर। मीन्स इसके अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें कि एक वायर का अगर हम एग्जांपल लें, ए वायर है, ए वायर इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विच परमिट्स द इलेक्ट्रिसिटी थ्रो अलोंग इट्स लेंथ। कि ए वायर है जो वो हमारे एक कंडक्टर है। कॉपर का एग्जांपल लें, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी जो वायरिंग बनी हुई है उसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा है वो सब क्या है, कंडक्टर हमारे पास में है। तो हम इस टाइप में कंडक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं, इट इज ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिक चार्जेस डू नॉट फ्लो फ्रीली विच देयरफॉर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन रखा जाता है तो उस टाइम पर भी उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, उसके जो चार्जेज हैं वो फ्लो ना करें, तो ऐसा मटेरियल हमारा कहलाएगा इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप जो है एग्जांपल ले सकते हैं, तो पेपर, ग्लास, वुड एक्सेट्रा, इस टाइप के हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर इसी के अपोजिट एक बात कर रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक की, तो बिल्कुल डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में हम बहुत ही कम डिफरेंस पाते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये एक टाइप में हम बोल सकते हैं कि इंसुलेटर ही है। इट इज ए मटेरियल विच ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। कि वो मटेरियल जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा मटेरियल जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मींस अपने अंदर से बिल्कुल ही पास ना होने दे इलेक्ट्रिसिटी को, कि जितने भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा उसके अंदर बढ़ा दी जाए फिर भी उसके अंदर से पास ना होने दे, उसको हम डाइलेक्ट्रिक का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास में कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें इसी के अंदर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, ये एक मेथड है। इट इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट
विदाउट स्टेबलाइजिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। देखिएगा, इट इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विदाउट स्टेबलाइजिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, कि एक ऑब्जेक्ट जो कि न्यूट्रल है उसको चार्ज कर देना दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा जबकि उन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, मीन्स वो एक दूसरे से टच ना करें या रब ना करें, तब उस केस के अंदर। अगर इसके अंदर हम एग्जांपल लें, हमने यहाँ पे फोर स्टेज बनाई हुई हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। अगर फर्स्ट के अंदर हम बात करें, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर कोई भी चार्ज से हमने नहीं कर रखा, या फिर हम बोले ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस सेम है, इक्वल है। सेकंड कंडीशन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमने एक पॉजिटिव रोड इसके पास में लेकर के आए, जैसे ही इसके पास में हम पॉजिटिव रोड को लेकर के आए तो हमारे पास में जो आ गया ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इस कंप्लीट बॉडी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही इक्वल अमाउंट में थे, तो इसलिए इसने अट्रैक्ट किया नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज आपका पॉजिटिव रोड की साइड में आ गया और पॉजिटिव को रिपेल कर दिया, वो अदर साइड में चला जाएगा। अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की साइड में ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, तो यहां से ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद में जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये यहां के जरिए आपका चला जाएगा ग्राउंड, तो यहां इस पे जो रह जाएगा वो नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अब अगर हम इसको फोर्थ स्टेप के अंदर इसको यहां से हटा दें, तो इसको यहां से हटाने के बाद में हमारे पास में जो बॉडी आ जाएगी वो कंप्लीटली एक चार्ज बॉडी हो जाएगी, बट यहां देखिएगा इन दोनों के बीच में ये और ये हमारे पास में ये यहां पे न्यूट्रल बॉडी थी बट ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी के अंदर। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बॉडी को इसके पास में लेकर के आते हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर नेगेटिव की लेके आएंगे तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम फिनोमेना की बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास में हो जाएगा, फर्स्टली हमने क्या किया है, टेक ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एंड ए चार्ज ऑब्जेक्ट, हेयर वी टेक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट, वेन वी ब्रिंग पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, द इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट, एंड इफ यू कनेक्ट द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट टू द अर्थ, इसके बाद में हमने क्या किया, इसको अर्थ के साथ में कर दिया, इसको कनेक्ट टू द अर्थ बाई अर्थिंग, दोज पॉजिटिव चार्ज विल मूव टू द अर्थ एंड द नेगेटिव चार्ज इज इंक्रीज इन द बॉडी और ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज नाउ चार्ज्ड, इट इज नाउ नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, यहां पे हम तीन प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज,
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी बॉडी पर चार्ज होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के इक्वल होगा। दैट इज टोटल चार्ज, चार्ज हम जो है क्या उसे डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मींस एन और ई, ई इज द एलिमेंट्री चार्ज। यहां पे ई क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, एन क्या है यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हम प्रोटॉन्स भी बोल सकते हैं इसको, कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी, जितने भी आयंस की संख्या होगी उसके अंदर, उन पर डिपेंड करेगा, उनके मल्टीप्लाई में होने के बाद में हमें पता लगेगा कि चार्ज कितना है। कि यहां पे एलिमेंट्री चार्ज की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री मीन्स प्राथमिक, प्राथमिक मीन्स कि जो सबसे पहले जरूरी है किसी बॉडी के लिए वो क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या है, तो उन पर जो चार्ज होता है उसको हम एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। और इसकी जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है अपने पास में एलिमेंट्री चार्ज ए इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम। ये हमारे पास में एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होगी, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, ये एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होगी। अगर इसका एक एग्जांपल लेकर के अगर हम बात करें कि मान लिया ये कोई बॉडी है और इसके अंदर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे हमारे कितना चार्ज होगा इस बॉडी पर, तो हम यहाँ करेंगे क्यू, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2, और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ पे अपने पास में एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे -3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम, ये हमारे पास में टोटल चार्ज हो जाएगा इस बॉडी पर। अगर हम कहें कि इससे अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ये इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, मतलब कहीं से इसने गेन किए हैं, और अगर मान लिया इसने कहीं लूज कर दिए हैं, किसी को दे दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 2 टाइप में, मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे इसके अंदर, तो इस टाइप में हम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज चेंज हो रहा है वो हम निकाल सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को, जिसकी प्रॉपर्टी से हम निकालते हैं उसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है एडिटिविटी, एडिटिविटी मीन्स ऐड कर देना किसी के सम के इक्वल। अगर हम बात करें कि एक ये कोई सिस्टम है और इसके अंदर ये यहाँ पे इस तरीके से हम चार्जेस दिखा रहे हैं कि ये मान लिया क्यू वन है, ये क्यू टू चार्ज है, और ये क्यू थ्री है, और ये क्यू फोर है, तो इस कंप्लीट सिस्टम के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो इन सब चार्जेस के सम के इक्वल होगा, ये बात कहती है ये प्रॉपर्टी। तो इसकी डेफिनेशन हम किस तरीके से दे सकते हैं कि टोटल चार्ज इन ए सिस्टम इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्जेस इन ए सिस्टम। जो सिस्टम है कंप्लीट, इसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू से हम चार्ज को डिनोट कर रहे हैं, तो उनका जो टोटल चार्ज होगा इस बॉडी पर, इस सिस्टम पर, तो वो क्या हो जाएगा, उन सब के चार्जेस के सम के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है कि अगर एक रूम के अंदर अगर 10 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो हम उसके बाहर से बोल रहे हैं कि इस रूम के अंदर टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 10 हैं, तो कैसे हुए हैं, एक के साथ में एक जुड़ करके ही हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी सिस्टम पर वो क्या होगा, सम होगा सब इंडिविजुअल चार्जेस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स द टोटल चार्ज
ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम. टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, और वी कैन से दैट चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस मीन्स व्हेन बॉडी इज चार्ज बाय द फ्रिक्शन देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बट नो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ चार्ज. कि कोई भी बॉडी जब किसी भी फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज की जाती है तो उस केस के अंदर हमारे पास में जो चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, ना ही तो वो कहीं से क्रिएट हुआ है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है, ना ही वो खत्म हुआ है, ना ही वो पैदा हुआ है. उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर वो चार्ज ट्रांसफर हो गया है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर वो चार्ज आ गया है. तो ये बात कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. अगर हम बात करें कि एक एग्जाम्पल लें हम यूरेनियम का, तो यूरेनियम 238 का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे 92, तो ये जब टूटता है तो तब क्या हो जाएगा आपका उसमें थोरियम, ये बनेगा 234 और यहाँ पे हो जाएगा 90 प्लस में इसके साथ में क्या बनेगा आपका हीलियम. देखिएगा जो यहाँ पे जो चार्ज हुआ वो यहाँ पे देखिएगा ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है ना ही खत्म हुआ है, बट क्या हुआ ये यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा था, मान लिया यहाँ पे दो जगह पे हो गया है. तो ये जो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एक रेडियो एक्टिव डीके का, जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करता है. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करेगा ये आपके पास में एक यूरेनियम का एग्जाम्पल, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है बट चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और ना ही क्रिएट होता है. ये होती है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी. तो आज के लिए इतना ही, चलिए इसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसी का जो हाफ पार्ट रहता है. तब तक के लिए धन्यवाद.